पर ओके, चार क्या है, मानचित्र। ओके तो देख लेंगे क्या है इसमें। आप पिछले अध्याय में ग्लोबल के महत्व के बारे में पढ़ चुके कि नहीं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है वो वाला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है, उसका नाम मैंने #3 लिखा हुआ है, तो देख लेना। ओके तो उसके बाद का भी जो चैप्टर 5 है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो देख लेना आप, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, इधर आई बटन पे क्लिक कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभ्यासक्रम वो मैंने एक अंत में एक सीरीज, वो सब अभ्यासक्रम मैंने मेंशन किए हुए हैं, ओके तो उसके जवाब भी मैंने दे दिए हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। और प्लीज़ यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप LSS करना। LSS यानी क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ यार, वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, प्लीज़ यार, इतना तो आप कर सकते हो बच्चों, प्लीज़ यार कर दो यार, ठीक है। तो फिर चलो आगे जाते हैं। हमने पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश राज्यों, जिलों, गांव तथा शहरों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं है। ऐसे तो हमने जाना मानचित्र। मानचित्र यानी कि हम अलग बात कहें तो एक प्रकार का मैप है, गूगल मैप। ओके तो हम देखते हैं कि यहाँ से अगर आप रहते हो तो फिर कितना दूर है आपका मंदिर, या तो फिर आपको कहीं जाना है तो फिर आप देख सकते हो ओला उबेर करते हो, ठीक है, करते हो कि नहीं, ठीक है। आप भले कक्षा 6 में हो लेकिन मुझसे भी बहुत बढ़िया आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो मानचित्र यानी कि मैप। ओके पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ओके लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को कुछ एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया। भौतिक मानचित्र, तो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रकृति जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र क्या है, तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के सभी देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थेमेटिक मानचित्र क्या है, कुछ मानचित्रों विशिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्यानों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, इस प्रकार के मानचित्र को थेमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है, जैसे कि तीन प्रकार है, तो दूरी, दिशा और प्रतीक। तो पहले जान लेते हैं दूरी क्या है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यही संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसीलिए उस उद्देश्य के लिए पैमाने चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आप विद्यालय को आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ओके, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका प्रतिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपको रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ओके। इस प्रकार पैमानों किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्रों पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आप गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को दर्शाया है, यानी कि 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ओके। वैसे बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। उसके बाद देखो, ये बहुत ही बढ़िया तस्वीर है, इसमें यहीं पर विद्यालय है, ओके। तो यहाँ क्या है, दुकानें हैं, विकास का घर है, शिला का घर है, करीम का घर है, यहाँ पर बगीचा है, खेल का मैदान है, पेड़ है, ओके। तो दिशा, ये किसका प्रकार है, तो अब हमने यही कहा था थेमेटिक मानचित्र है, उसके 3 प्रकार है, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी को जान लिया, वो कितने रहती है, 500 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, इसे हम उसको उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, ओके। तो अब दिशा जान लेते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दिहानी
दाहिनी तरफ चित्र का निशान बनाया होता है। ओके ओके, ये देखो, ये क्या है दक्षिण, उत्तर, ये क्या है पूर्व, ये पूर्व, पश्चिम, ओके सॉरी, ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ओके, ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है और ये दक्षिण पश्चिम है। ओके, अब इसको दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम ये जो है उसको हम अलग रूप से भी जानते हैं, जैसे ईशान, अग्नि, वायव्य और नेतृत्व। ओके, तो वो जानेंगे वो क्या है, आगे आएगा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ओ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा जा सकता है। चित्रों में चार मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। प्रधान द्विध्रुव बिंदु कहे जाते हैं। बीच के चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाले दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आपको पता है ये क्या है, ये है होका यंत्र, जिसके दिक् सूचक भी कहा जा सकता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये एक सुई होती है, बराबर, चुंबक भी कहते हैं ये को, इसको मैग्नेट चुंबक। ओके ठीक है, चित्रों में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाया, विकास का घर के लिए मतलब कुछ नहीं है, जाने दो। नेक्स्ट हम जाते हैं, ये देखो मैंने बोला इसकी चुंबकीय सुई। ओके, तो ये क्या है, दीक सूचक है, होका यंत्र भी कहा जाता है इसको, किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जा सकता है इससे, बराबर। तो इसके जिस साइड अणी रहती है उसको उत्तर कहते हैं और उसकी दूसरी साइड वाली जो होती है उसको हम दक्षिण कहते हैं। ओके, तो यह कहाँ उपयोग होता है, कभी महासागरों में जब जहाज रहता है तो वो कहीं उसकी दिशा प्राप्त करने, क्योंकि वहाँ तो घड़ियाल तो होती है लेकिन कहीं कहाँ जाने का है, ये समुद्र है तो यहाँ पर बीच में वो जहाज है, बराबर, तो उसको इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है वो तो नहीं पता होगा, ठीक है, तो इसकी मदद से वो रास्ता जान सकते हैं। प्रतीक, नेक्स्ट क्या है प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में कुछ नहीं सकते तब आप इन चित्रों का सहायता ले सकते हो। देखो ये रेलवे लाइन है, ये सड़क है और सीमा है, ओके, और ये नदी है, ये कुआ है, ये तालाब है, ये नहर है और ये पुल, ये सब जानकारी आपको गूगल मैप में भी शायद दिखाई देती है। ओके, मंदिर तो फिर ऐसा निशान आता है, मंदिर का ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये छतरी है, ओके, ये पोस्ट ऑफिस, पीओ लिखा देता होगा, आपने सड़क पर देखा होगा पीओ लिखा देता है तो वो क्या है, तो वो पोस्ट ऑफिस है, पीटीओ लिखा देता है तो वो क्या है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, बराबर, और कई बार पीएस लिखा देता तो वो क्या है, पुलिस स्टेशन है। ओके, भाई बस्ती, बस्ती यानी कि ऐसी निशान है, कब्रस्तान, देखो इसे यू यू ए बी सी डी का ऊंधा यू है, ओके, पेड़ तो फिर ऐसे मेंशन किया, घास तो फिर वो ऐसे, घास को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ठीक है, तो कुछ नहीं, ऐसे आड़े पीड़े के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त होगी। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों को और ये क्या है, मैंने अभी कहा ये यू वाला जो निशान वो क्या है, कब्रिस्तान बताता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कब्रिस्तान है, ये मंदिर है और ये गांव का नाम क्या है, सुंदरपुर, ओके ठीक है, ज्यादा नहीं, ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो वो प्रतीक कहाँ, देखो ये जान लेते हैं उसके बाद, कुछ रूप प्रतीक दर्शाए गए हैं। ओके, उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग वो है पर्वत, पीला रंग है पहाड़ों और हरा रंग है वो मैदानों के लिए दर्शाया जाता है। और बाद में रेखाचित्र, रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता है, वहाँ एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए, मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर पर जा रहे हैं लेकिन आपको रास्ता की जानकारी नहीं है, आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अभी तो मित्रों ये जो बात करें वो बहुत ही पुराने साल की बात कर रही है, अभी तो कोई किसी को भी कहते हैं तो वो क्या कर रहा है, भाई व्हाट्सएप में अपनी लोकेशन खींचा देता है कि मैं यहीं पर हूँ, ठीक है, ये बढ़िया है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था तो वो रेखा चित्र मानचित्र पर वो अपने घर को दर्शाते थे।
नेक्स्ट क्या है आखा। आखा क्या है तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र आखा कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जिसकी हम कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई इसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते जिसे हम आखा कहा जाता है। तो ये है अभ्यास। तो ये अभ्यास में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ओके। तो वहाँ से वो दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, ओके। तो वो मेंशन किया हुआ है, आप देख लेना। प्लीज़ मेरी चैनल को LSS करना, LSS यानी आपको पता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ओके। धन्यवाद।